चलो चलो हम लाइ ला रहे हैं खेत में, बहुत मजा आ रहा है लेकिन हमें। सो गाइस ये देखिए आम में जो है कितनी अच्छी बॉल लगी इस बार, जो है आम जामुन एकदम फुल ऑन है भाई। आगे से ट्रक आ रहा है धूल धूल। तो अभी हम जा रहे हैं अरकणी सैन मतलब जो अरकणी है उस साइड पे जो है हम लोग खेत हैं, तो उसको हम बोलते हैं अरकणी सैन। यहाँ पे जो है सरसों की मंडाई चल रही है, सरसों को जो है पैर से करते हैं। जो सरसों की मंडाई होती है मोस्टली जो है पैर से की जाती है, इस तरीके से सरसों को जो है ढक के रखा जाता है और जब वो सीज जाता है मतलब हल्का गीला सा हो जाता है उसके बाद जो है इसको पैर से इस तरीके से मांडा जाता है। कुछ लोग जो है लकड़ी की मदद से भी जो है उसकी मंडाई करते हैं, बट यहाँ पे जो मम्मी लोग कर रहे हैं पैरों से ही। पैरों से क्या होता है जो सरसों का बीज होता है वो ना टूटता नहीं है, और सरसों से तो पता ही आपको ऑयल बनता है, तो इस वजह से जो है उसे आराम से जो है उसकी मंडाई की जाती है। और सौम्य को देखो यहाँ पे फुल ऑन मस्ती में, अभी मैंने इसको नहलाया था जस्ट, और दोबारा से जो है ये घुस गई है यहाँ अंदर। तो अभी जो है गांव में चल रही है सरसों की मंडाई, और अभी गेहूं पकने बाकी हैं, उसके बाद होगी गेहूं की कटाई। तो आज के व्लॉग में जो भी होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सो गाइस, तो अब हो रही है मेरी लंच की तैयारी। लंच में बन रहे हैं आज स्पेशल आलू मटर का साग और भात। जो मटर जो हैं ये प्योर मतलब घर की मटर हैं, इनमें ना ही इनमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो ये घर की जो है साफ सुथरी मटर है। तो इसका बनेगा साग और बटी का भात। मम्मी के लिए बनी खिचड़ी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो मम्मी के लिए बनेगी लौकी खिचड़ी। तो गाइस सलाद कट चुका है, दाल बन गई है, चावल बन गए और खिचड़ी बन चुकी है, और अब खाते खाना। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा चलो पैरों की मरम्मत की जाए आज, तो मैंने जो है नेल पेंट साफ कर लिया है, अच्छे से पैर धो लिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी ये वाला नेल पेंट रचुनी का। ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा नेल पेंट है, इसको ट्राई कर। ये इसमें जो है पेंट वाली फिनिश आती है, तो बताएगा कि आपको कैसा लगा ये नेल पेंट। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसकी दो कोटिंग करो तो अच्छी साइन देता है। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और नानी गई है खेतों में सरसों निकालने के लिए। क्या है कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो मम्मी थोड़ा घर के काम देख रही है, और नानी गई है सरसों निकालने के लिए, और मैं और अच्छू जा रहे हैं अभी नानी के पास सरसों लेने के लिए, क्योंकि नानी ला नहीं सकती ना, और ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारे गाँव का भैरव मंदिर, जो कि जिसकी वीडियो जो है मैंने अपने व्लॉग चैनल में डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये अभी जस्ट नया बना है। तो अभी हम जा रहे हैं अरकणी सैन मतलब जो अरकणी है उस साइड पे जो है हम लोग खेत हैं, तो उसको हम बोलते हैं अरकणी सैन। तो वहाँ पे जो है नानी निकाल रही है सरसों मतलब लैया, तो उसको लेने के लिए मैं और अच्छू जा रहे हैं। और आपने हमारा गांव देख लिया है कितना मतलब डेवलप हो गया है, सब लोगों ने जो है अपने घर को रेनोवेट कर दिया है अच्छे तरीके से। और अभी हम जा रहे हैं काले आम के रास्ते जाना था, बट हम लोग जो है दूसरे वाले आम के रास्ते जा रहे हैं। ये तो इतना की पूछ है, पता नहीं क्या बोल दी चाहिए, पर हम जाना ये रास्ता, और अभी चलता और आप पूर्ण दिखा था
गाँव का जो पुंगड़ा छन मतलब जो हमारे गाँव के खेत हैं अभी जो है उन पे क्या क्या उगा हुआ है और लोग क्या क्या निकाल रहे हैं। तो गाइस बने रहेगा मेरे साथ पहुँची। सो तो गाइस जी हम निकल पड़े हैं, चलते हैं अभी। ये मेरे माँ जी। सो तो ये जो है फूल हैं बच्चों के लिए, बच्चे जो है आजकल फूल डाल रहे हैं तो बच्चों के लिए फूल भी खिले हुए हैं अच्छे से। और ये है हमारा खेत जिसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं कितने गेहूं जो गेहूं जो मतलब सेम ही लगते हैं दोनों, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो कैमरे से दिखेगा नहीं आपको, वो जो है आंखों से ही पता चलता है। फिर जो से नहीं आ रहा चू जो ना क्यों, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। और खेतों की हरियाली आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मनमोहक है, यू नो मनमोहक। तो खेतों में है गेहूं, सरसों, मतलब जिसको गड़ाली में लिए कहते हैं, ये देखो ये है सरसों जो कि जिनकी फलियां जो है पक चुकी हैं और इन्हें जो है अब खेतों से निकाला जा रहा है। और साथ में है मटर, मटर भी निकाली जा रही है खेतों से। और मसूर, जो मसूर देखो वाह ओ भाई मसूर तेरा क्या कसूर। तो ये है मसूर जिसको हम खाते हैं, बताते हो। सो तो गाइज ये है मसूर जिसको हम लोग खाते हैं इस तरीके से, ये देखो इसकी फली है उसको छेगा गया आउट। तो अभी चलते हैं। और खेत मुझे अनाज के साथ साथ जो है ये देखिए ये कांटेदार होते हैं ना, इनको जो है निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके साथ जो है मसूर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है। मसूर के साथ ही साथ खाई जा रही है मटर। ये नेहा दी चोरी कर रही है लोगों के खेत में ये मटर। आहा तो ये देखिए लहलाते गेहूं खेतों में। तो गाइस ये रामसी भाई लोगों ने जो है यहाँ पे अच्छी से गार्डनिंग की हुई है, तो देखते हैं गार्डन में क्या क्या उगा है। पहले यहाँ पे है धनिया, ये है लहसुन, ये है पत्ता गोभी, वाह ये देखो पत्ता गोभी। ये शायद फूल गोभी है थी। तो देखो सारी पत्ता गोभी जो है अच्छी से पैक्ड हो गई है। सो तो गाइस रेलवे वालों का वहाँ देखो सामने, मतलब जो खदान वगैरह हो रखी ना उसका पूरा एकदम पूरा ढेर किया हुआ है पत्थर काट काट के। और नदी आप देख सकते हैं अभी जो है सूखी हुई है, नीचे चर रहे हैं बकरियां, बकरियों के साथ हैं दो गुएर, कौन कुछ हो ये है डोंरू और प्रिंसी, मतलब प्रियंका और प्रिंसी डोंरू घने बोलते हैं। तो अब चलते हैं अरगणी सैन, गांव में ऐसे बोलने में ना मजा आता है ना, गांव की फीलिंग अलग ही थी इसलिए। तो चलते हैं अभी। और ये है हुक्का मामा जी लोगों का घर। हुक्का मामा जी बोले तो मेरी बहन है जो उसकी फ्रेंड है मीनाक्षी, उसके पापा का नाम है हुक्का मामा जी, हुक्कम मामा जी, तो उनके घर है। तो उनके तो पपीते पर लगे हुए, देखो नहीं पौधे खुल गए हैं, ये देखिए पपीते हैं, ये देखो अभी घर में कोई नहीं है, शटर वटर सब बंद हो रखे। ओ भाई साहब ये क्या बना है भाई, ये क्या है। तो गाइस हम आए थे जून में और अभी जो है एक साल भी नहीं हुआ और ये बिल्डिंग जो है खड़ी हो चुकी है यहाँ पे,
आप देख सकते हैं जैसे ये गधेरा है उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो दिखाते हैं आपको कौन सी बिल्डिंग है ये। सो गाइस ये देखिए आम में जो है कितनी अच्छी बॉल लगी इस बार, जो है आम जामुन एकदम फुल ऑन है। भाई आगे से ट्रक आ रहा है, धूल 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 जमी रहे, हम धूल नहीं है। ये देखिए पेड़ जो है फुल लते हुए हैं बौरों से, आम के जामुन के, और भाई धारा भी एकदम जगमग चकमक लग रहा है। देखो धारे में जो अच्छी बाउंड्री हो गई, देखो चारों तरफ। तो ये बना है रेनबो कॉलेज ऑफ वोकेशन ऑल स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट एंड मास्कॉम, होटल मैनेजमेंट डॉट मास्कॉम। रेनबो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो अब चलते हैं अरकनी के सैंड सेफ्टी पार्क, पार्क में क्या भी कबड़ियां था बंद हो गया, मंदिर कबड़ियां था मुझे। सो तो यहाँ पे जो है तुलसी निकाल ली है, सरसों, ए तुलसी नमस्ते ठीक छे सामने निकाले सुखी भैया और भाभी सो तो गाइस हम आ चुके हैं अरकनी के सैन, उधर है उधर दूसरा, मतलब दूसरा होता है, और इस साइड जो होता है अरकनी का सैन, क्योंकि तो यहाँ पे जो है गांव है अरकनी, तो इसलिए जो है इसको अरकनी का सैन कहते हैं। देखते नानी कितना निकाल दिया है। सो तो नानी जो है, नानी ने निकाल लिया है सरसों, बदतमीज चोरी करती लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? ये है देखो लोगों को खेत खराब करती है बदतमीज लड़की, इनने सारे मटर खा लिए। उठा बे ये है काम चोर मम्मी। ये है हमारी काम काजी नानी। कब से जाने था दूर या बंदर पकड़ने जानी वक्त आवाज डिलीट मार देन भाई। चलो हम लोग ला रहे हैं खेते माँ, बहुत मजा आ रहा है ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है गेहूँ के बीच में बाबा ना, ये हमारी नानी सीधी है। हाय हाय टाटा बाय 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 हेलो बंद कर दे। सो तो गाइस घर पहुंचते ही जो है मौसम कैसा हो गया देखो, और यहाँ पे जो है जो लेके आए थे हम वो ऊपर से ढक दिए सारे, दिन भर की धूप थी और दोबारा से मौसम।